नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड ग्रुप पर। दोस्तों, इस वीडियो प्रैक्टिस सेट पेपर में साइंस के क्वेश्चंस का सेट पेपर है। ऑब्जेक्टिव टाइप के ये क्वेश्चन आपके हर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। आपके सभी एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो अंत तक देखकर आप वीडियोज़ के नोट्स भी बना सकते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि साइंस की रोज शाम को 7 बजे क्लास होती है लाइव, तो आप बेल आइकन क्लिक कर लें जिससे नोटिफिकेशन के थ्रू आपको क्लास और सब्सक्रिप्शन करने के बाद आपके लिए सेट पेपर्स की भी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कोशिश करिएगा 30 में से कम 25 प्लस नंबर लाने की। आपकी साइंस अच्छी है, आपको खुद पता चल जाएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है? राइट आंसर क्या हो जाएगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो इनमें से हाइड्रोजन के आइसोटोप ये सभी हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ एबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं, समस्थानिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया ये रहा स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन, फसल संयंत्र का कवक रोग निम्न में से कौन सा है? आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सा रोग कवक यानी कि फंगस के कारण होता है। राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपास का विल्ट रोग। ऑप्शन नंबर बी, कपास का विल्ट रोग जो है कवक से यानी कि फफूंद से यानी कि फंगस से उत्पन्न होने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर बी, कपास का विल्ट रोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये रहा स्क्रीन पर। परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग जो है ऑप्शन नंबर बी, बिजली बनाने में, विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है ये रहा स्क्रीन पर। इनमें से कौन गैसों के प्रसारण का एक उदाहरण है? प्रसरण का मतलब होता है फैलना, गैसों के फैलने का। इनमें से कौन एक अच्छा एग्जाम्पल है बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, खाने की सुगंध का फैलना, अगरबत्ती की खुशबू का फैलना, इत्र की महक का फैलना, ये सभी जो हैं गैसों के प्रसारण का या गैसों के फैलाव से संबंधित सबसे अच्छे उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया ये रहा स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसमें अधिक ताप है? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाप में। भाप में ऊष्मा अधिक होता है, ताप अधिक होता है, इसीलिए जलन भाप से जलने पर ज्यादा होती है। तो निम्न में से किसमें अधिक ताप है? तो भाप इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने। इनमें से कौन महामारी और कौन महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है? राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें से एपिडेमिक एंड एंडेमिक बीमारी जो है आपका ऑप्शन नंबर बी, हैजा इसका सही उत्तर हो जाएगा। हैजा जो है आपकी स्थानिक और महामारी दोनों प्रकार की बीमारी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये रहा स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्राफेन के बारे में सही नहीं है? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थर्ड डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ऑप्शन नंबर बी ग्राफीन के बारे में सही नहीं है। बाकी ग्राफीन कार्बन का एलोट्रोप है, बिल्कुल सही है। परमाणु जाली के रूप में दिखाई देता है, बिल्कुल सही है। हनीकॉम स्ट्रक्चर, तो भाई जाली के रूप में दिखाई देगा तो हनीकॉम ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो ये तीनों सही है, बाकी थर्ड डायमेंशनल स्ट्रक्चर ग्राफीन का नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये रहा स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन, रेजिन क्या है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो रेजिन जो है एक प्रकार का मेलवेयर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप में से कई लोग इसका आंसर पॉलीमर दे रहे होंगे, लेकिन ये इसका आंसर गलत है।
रेजिन जो है एक प्रकार का मेलवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये रहा स्क्रीन पर, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ली फाई के लिए गलत कथन कौन सा है, राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो ली फाई के लिए ऑप्शन नंबर बी एक वायर कनेक्शन है, यह चीज गलत है। ली फाई एक प्रकाश आधारित संचार प्रणाली है, बिल्कुल सही है। यह बिडे रॉक्टोनिकल संचार पर आधारित है, यह भी सही है। रेडियो आवृत्ति संकेतों का उपयोग होता है इसमें, तो यह भी सही है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर गलत आंसर हो जाएगा। कौन सा गलत कथन है, तो यह एक वायर कनेक्शन है, तो नहीं ये वायर नहीं है, विदाउट वायरिंग का कनेक्शन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग करके ली फाई का प्रयोग किया जाता है, अर्थात एक प्रकार से आप वाई फाई का एग्जाम्पल इसके लिए रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये रहा स्क्रीन पर। सबसे बड़ा अणु कौन सा होता है जो मानव तन का एक हिस्सा होता है, राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुणसूत्र नंबर एक, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। सबसे बड़ा अणु गुणसूत्र नंबर एक होता है जो मानव तन का एक हिस्सा होता है, ऑप्शन नंबर ए यहां सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था, राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं, तो पहले प्रकाश की गति को ओले रोमर ने नापा था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, रोमर ने प्रकाश की गति को सबसे पहले मापा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, गिरगिट रंग क्यों बदलता है, राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो गिरगिट जो है ऑप्शन नंबर बी गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलता है, रंग बदलने से वो रंगों को परावर्तित करता है जिसके कारण उसको गर्मी कम लगती है, तो गर्मी को एक प्रकार से कहें मेंटेन करने के लिए गिरगिट जो है रंग बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये रहा स्क्रीन पर, के इकाई को निम्नलिखित में से क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, इन शॉर्ट के किसके लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो के जो है आपका ऑप्शन नंबर सी केल्विन तापमान मापने की इकाई है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है ये रहा स्क्रीन पर, विटामिन बी वन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो विटामिन बी वन से ऑप्शन नंबर डी बेरी बेरी रोग होता है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइनो वायरस किसकी वजह से बनता है, राइट आंसर क्या बताइए। राइनो वायरस किसकी वजह से बनता है, इन चार ऑप्शन में से क्या होता है राइनो वायरस से, राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो राइनो वायरस से ऑप्शन नंबर ए आम जुखाम होता है, नॉर्मली जो सर्दी खांसी होती है जुखाम होता है राइनो वायरस के कारण होता है, जिसको आप बोलते हैं कि वायरल चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यह रहा स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसे स्टार क्वीन नेबुला के रूप में भी जाना जाता है, राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैसियस 16, ये आकाशगंगा है, इसको स्टार क्वीन नेबुला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये रहा स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, कितना कुल ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, आपको बताना है ऑक्सीजन का कितना परसेंट रक्त और शरीर के द्वारा मस्तिष्क में भी इस्तेमाल किया जाता है, राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20%, 20% ऑक्सीजन रक्त और मस्तिष्क के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, टोटल ऑक्सीजन का जो हमारी बॉडी में रहती है जितनी ऑक्सीजन उसका 20% अकेला रक्त और मस्तिष्क के लिए जरूरत होती है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये रहा स्क्रीन पर, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है बताइए। चलिए देखते हैं, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी होती है, स्टेपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है ये रहा स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, मात्र दो ऊतक कौन से हैं जो नाखून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते बताइए, जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते सॉरी बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं, तो ये हैं आपके नाखून और कॉर्निया, ये जो है दो ऊतक ऐसे हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये रहा स्क्रीन पर, आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है बताइए।
चलिए देखते हैं। तो आंख का ऑप्शन नंबर बी आयरिस जो होता है आंख के रंग का निर्धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। कणों के नाम बताना है जो पदार्थ बनाते हैं, यानी कि वो छोटे छोटे कण जो किसी भी पदार्थ का निर्माण करते हैं उनको क्या कहते हैं, बताइए। चलिए देखते हैं, तो उनको कहते हैं परमाणु। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर कोई भी पदार्थ बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर, पदार्थ के कणों में निम्नलिखित में से क्या विशेषता होती है, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। चलिए देखते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये लगातार स्थानांतरित होते रहते हैं, वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बहुत छोटे होते हैं। ऑल ऑफ एबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। पदार्थ के कणों में ये सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस का गुण है, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। चलिए देखते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निश्चित आकार जो है ठोस में एक निश्चित आकार होता है। नॉर्मली आप कोई भी ठोस देखोगे वो एक निश्चित आकार का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। शुष्कता के लिए वाष्पीकरण की तुलना में क्रिस्टलीकरण एक बेहतर तकनीक क्यों है, राइट आंसर क्या बताइए। चलिए देखते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इससे अशुद्धियां हट जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्रिस्टलीकरण जो है क्रिस्टलाइजेशन में अशुद्धियां जो हैं पूरी तरह से हट जाती हैं, इसीलिए शुष्कता से लिए वाष्पीकरण की तुलना में क्रिस्टलाइजेशन बेहतर तकनीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। किस तंत्र के द्वारा अमिश्रणीय तरल को मिश्रण से अलग किया जा सकता है, बताइए। चलिए देखते हैं, तो इसका राइट आंसर है सेपरेटिंग फनल के द्वारा। सेपरेटिंग फनल के द्वारा अमिश्रणीय तरल को अलग अलग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। वह प्रक्रिया जिसमें तरल को वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए ताप की आवश्यकता पड़ती है, क्या कहलाती है, बताइए। चलिए देखते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वाष्पीकरण की अव्यक्त गर्मी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वाष्पीकरण करने के लिए उपयुक्त तो ऊष्मा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रसार की अवस्था है, डिफ्यूजन की अवस्था है, राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तरल पदार्थ का धीमा, गैसों में सबसे तेज और कणों की गति के आधार पर ये सारी जो हैं पदार्थ की प्रसार की यानी कि डिफ्यूजन की अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन, किस तकनीक से समुद्र के पानी से नमक प्राप्त होता है, बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाष्पीकरण के द्वारा, इवेपोरेशन के द्वारा ऐसा होता है। पानी को सुखा दिया जाता है, भाप बनाकर पानी ऊपर उड़ जाता है और नमक नीचे रह जाता है, इससे नमक प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। तकनीक का नाम बताना है जो दो या दो से अधिक घुलनशील ठोस को अलग करने में इस्तेमाल होती है, बहुत ही कम मात्रा में घोल में मौजूद होती है, राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्रोमेट्रोग्राफी। ऑप्शन नंबर क्रोमेट्रोग्राफी एक ऐसी तकनीक है जो या दो या दो से अधिक घुलनशील ठोसों को अलग करने में इस्तेमाल होती है और जो बहुत ही कम मात्रा में घोल में मौजूद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तरल पदार्थ में प्रसार का एक उदाहरण है, बताइए। लिक्विड में डिफ्यूजन का, डिफ्यूजन इन लिक्विड्स सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, बताइए। चलिए देखते हैं, तो नॉर्मल सा आंसर है पानी में स्याही का फैलना, बाकी सभी तो गैसेस हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ साइंस के क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थे। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको सही लगा होगा और क्वेश्चंस आपसे काफ़ी बने होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन ध्यान से क्लिक कर दें, जिससे आपको पर डे का सेट पेपर और लाइव क्लास का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। दोस्तों अपने नाम के साथ में अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा कि आपका स्कोर क्या रहा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।